तो पावर बीआई में सबसे पहले एक हम डेटा को लेते हैं। सबसे पहले डेटा हमने लिया, लोड किया, डेटा यहां पे लेते हैं लोड। अब यहां पे आते हैं। अब एग्रीगेशन फंक्शन में मोस्टली जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है हमारा मेजर्स पे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे काउंट के बारे में, जैसे हमने यहाँ पे लिया और हम अपना कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि हमने अपना एसआई रखा, मुझे इसकी काउंट चाहिए, तो यहां से तो काउंट हम ले सकते हैं, राइट। बट मुझे काउंट करना है मेजर्स के थ्रू, ताकि हम इसमें और भी कुछ कैलकुलेशन कर सके। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल करेंगे मेजर्स में। तो मेजर्स में आते हैं और यहाँ पे काउंट, CUNT काउंट कर दिया, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, काउंट। काउंट में हमने यहाँ पे ले लिया अपना SID, जो कि नीचे आएगा SID, ये काउंट आ गया। तो इसने क्या किया कि एक नंबर जितना बार है उतना बार उसने काउंट करके दिया, ठीक है। अब SID की जगह पे मान लीजिए कि मैं अपना प्रोडक्ट लेता हूँ, तो क्या आएगा रिजल्ट, तो प्रोडक्ट भी उतना ही आएगा। डेटा में अगर हम प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट जो है उतना आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ये आया प्रोडक्ट, ठीक है, तो काउंट आया प्रोडक्ट। क्लियर है सर, तो इसी को काउंट कर रहा है थोड़ा सा। ये काउंट कर रहा है कि इसमें कितने ऐसे जो जो प्रोडक्ट है हमारे, ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है ना, कितने सेल में वैल्यू फिल है, कितने सेल में वैल्यू फिल है। कितनी सेल में एक्सेल 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 लिखा हुआ है जी फिर। हाँ, नॉन ब्लैंक वैल्यू को फिल करता है, ठीक है। क्लियर है। अभी अब इसमें पहले अभी पता नहीं काउंट हमने लिया है, इसमें काउंट लिया हुआ है, फिर भी रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट पहले नहीं दिखता था, क्यों, प्लीज म्यूट कर लें नितेश जी, बैकग्राउंड शोर आ रहा है। पहले इसमें आता था काउंट ए, काउंट ए क्या करता है, ए भी काउंट करता है, बट अभी तो दोनों एक जैसा हो गया। पहले क्या था कि काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता था, काउंट क्या करता था, सिर्फ नंबर, और काउंट ही क्या करता था, नंबर अटैक, मतलब कि काउंट में आप SID को काउंट कर सकते थे क्योंकि इसके अंदर नंबर्स है, प्रोडक्ट को काउंट नहीं कर सकते थे। बट अभी मेजर्स में सब चल रहा है, यहाँ पे देखिए आपके सामने, मैं यहाँ पे काउंट लगा दूं या काउंट ए लगा दूं, फिर भी हमारा रिजल्ट जो है आप देखेंगे कि वही आ रहा है, वही आ रहा है ना, 18 के ही आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन पहले चेंज होता था। उसके बाद आता है काउंट ब्लैंक। अब ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपके किसी नंबर में कुछ ब्लैंक वैल्यू डली हुई है, कुछ वैल्यू है जो नहीं है, ब्लैंक है, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या करें, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ इफ कंडीशन, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ। अभी इफ कंडीशन में सिंपल सा यह कर रहा हूँ कि जो ऐप की सेलर है हमारे, जो ऐप वाले सेलर है वो देखिए सिर्फ। तो यहाँ पे हम आते हैं, लगाते हैं यहाँ पे एप्स, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि इफ यहाँ पे सेल्स चैनल इज इक्वल टू ऐप, तो यहाँ पे ऐप शो हो जाए, और यहाँ पे अदरवाइज में कुछ नहीं दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ब्लैंक 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 दिख रहा है, दिख रहा है ना सर। अब मैं एक बार SID का अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, डेटा सॉर्टेड है इसलिए SID अकॉर्डिंग सॉर्ट करता हूँ, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग। तो यहाँ आप देखेंगे कि कहीं कहीं में ब्लैंक, राइट,
तो यहां अगर मैं अगर काउंट लगाता हूं, यहां पे आता हूं काउंट में, और काउंट में हम यहां पे ऐप को काउंट करते हैं, काउंट एप्स, तो आप अब 18,000 नहीं देखेंगे। अब ये देख रहे हैं 4357 दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसने नन ब्लैंक को काउंट किया, ब्लैंक को काउंट नहीं किया, समझे? तो काउंट और काउंट ए में कुछ फर्क है, आपको समझ में आया? लेकिन मुझे पता करना है कितने ब्लैंक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, और काउंट ब्लैंक में हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना एप्स को, तो ये आपको ब्लैंक बता देगा कि आपका 13 के हमारा ब्लैंक है, 13 के क्या है, ब्लैंक। तो काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, तीनों समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके सामने काउंट रो, काउंट रोज। अब काउंट रोज में हमने इसमें कॉलम नहीं डेटा देना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये बताएगा टोटल रोज क्या है। तो इसको, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके सेल में डेटा है या नहीं, वो सीधे बताएगा कि आपके डेटा में टोटल रो कितना है, ठीक है? टोटल रो कितना है, ये आपका काउंट रोज करता है, क्या करता है, काउंट रोज। अब बोले सर काउंट कॉलम कर ले, तो नहीं, काउंट कॉलम जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, ठीक है ना? अब इसमें एक चीज और आता है, काउंट में हमने मान लीजिए कि यहां मुझे ये करना है कि काउंट डिस्टिंग करना है, जैसे कि मैं प्रोडक्ट को काउंट करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे टोटल प्रोडक्ट कितने हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर रखूंगा तो जनरली हम काउंट डिस्टिंग करते हैं, राइट? याद होगा मैं बताया था, तो यहाँ भी फॉर्मूला के अंदर भी आपको काउंट डिस्टिंग का आएगा, काउंट डिस्टिंग, काउंट डिस्टिंग को इसने लिया और इसमें हमने ले लिया अपना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लेके यहाँ पे आपको दे दिया। अब इसमें एक प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, क्यों? अगर सेल के अंदर ब्लैंक हुआ तो एक जो है ज्यादा शो करेगा, अगर ब्लैंक हुआ तो एक ज्यादा शो करेगा, ठीक है? तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए बेसिकली हम लगाते हैं काउंट डिस्टिंक में ही एक और फॉर्मूला होता है, काउंट डिस्टिंक नो ब्लैंक, यहाँ पे काउंट डिस्टिंग नो ब्लैंक, और इसके अंदर हमने अपना प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है? तो इसमें ब्लैंक अगर होगा तो ब्लैंक को कंसिडर नहीं करो, समझे? मतलब कोई ब्लैंक नहीं था इसमें। जी बिल्कुल, समझ आया? आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें हम बात करते हैं काउंटेज की, मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट में सिर्फ एक्सेल का काउंट देना है कि टोटल एक्सेल काउंट कितना बार रिपीट हुआ है हमारे कॉलम, तो इसके लिए क्या करेंगे सर बताइए?
याद होगा इसके लिए मैंने बताया था कैलकुलेट फंक्शन। तो जो फॉर्मूला एग्रीगेशन के सारे फॉर्मूले कैलकुलेट में लगते हैं, तो यहाँ हम लगाएं जो फॉर्मूला काउंट, और काउंट में हम सेलेक्ट करेंगे अपना प्रोडक्ट, और यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि प्रोडक्ट इक, यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू, यहाँ हम देंगे प्रोडक्ट इक्वल टू, हम यहाँ पे देंगे अपना एक्स। और यहाँ पे एंटर प्रेस कर, एक काउंट इफ। दूसरा एक काउंट एक्स भी होता है, तो काउंट एक्स फॉर्मूला आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा, काउंट एक्स, सम एक्स, मैक्स एक्स जैसे फॉर्मूले हैं जो कि हम आगे पढ़ाएंगे। उसी तरह से यहां सम का फॉर्मूला तो कई बार यूज किया है, यहां हम एवरेज फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एवरेज, और एवरेज के अंदर में हम लेते हैं अपना एवरेज का फॉर्मूला, शायद इसको मैं पहले भी बताया। तो एवरेज फॉर्मूला में ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, लेकिन जब हम यहाँ एवरेज ए फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो वो ट्रू फॉल्स को कंसीडर करता है। तो इसका आप इसका ध्यान कब रखेंगे, जब आपके डेटा परसेंटेज में हो और उस परसेंटेज में कहीं पे ट्रू लग गया हो, तो ट्रू 1 होगा मतलब कि 100%, तो ये इससे आपकी डेटा इफेक्ट हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट। उसी तरह से अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट, हालांकि मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसे आप यहाँ पे एवरेज के जगह पे मैक्स लगा सकते हैं, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप यहाँ पे मिन लगा सकते हैं कि आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यहीं पे आप जो है अपना, अब इसमें एक मैक्स ए जो जो कि मैक्स ए होता है जो कि ट्रू फॉल्स को कंसीडर करता है। तो अगर आपकी परसेंटेज में डेटा है और मैक्स ये दे दिया उसमें ट्रू डाला हुआ है, तो 100% दिखाएगा कि 1 = 100% होता है। ऐसे आपके सामने मीन होता है जो कि ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 लेता है। तो मीन ए और मैक्स ए लगाने से पहले चेक कर लें कि कहीं डेटा परसेंटेज तो नहीं है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप अगर मीन और मैक्स दोनों लगाते हैं तो। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। तो छोटे छोटे फॉर्म लेते हैं जिसको हम लिख कर, अब आगे बढ़ने से पहले हमें चाहिए फिल्टर फॉर्मूले, एक फॉर्मूला सीखना होगा फिल्टर का, जो कि आगे आपको जो सम एक्स है, मिन एक्स जैसे फॉर्मूले, जैसे एक्स में सम इफ काउंट इफ नहीं होता है, ऐसे फॉर्मूले पे काम आए, राइट। तो अभी यहाँ पे हमने कॉलम कैलकुलेशन को खत्म कर दिया, यहाँ पे कॉलम कैलकुलेशन नहीं बचता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेबल कैलकुलेशन। हमने मेजर्स की कैलकुलेशन भी की, मेजर्स की कुछ और कैलकुलेशन भी आएगी जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डैक्स क्यूरी में। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि हम सबसे पहले फिल्टर फॉर्मूला तो नहीं बताया ना सर, कि बता दिया मैंने आपको? नहीं बताया तो अब यहाँ पे एक डेटा आप सामने दिख रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक कुछ करना है और मुझे अलग टेबल चाहिए, मैं इस टेबल इसी टेबल का एक लिंक टेबल चाहता हूँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं आपके पावर क्यूरी में और वहां से लिंक टेबल करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा अपडेशन के लिए। लेकिन आप जो है यहीं पे आप टेबल टूल्स में न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे और यहीं पे न्यू टेबल पे आप डाल दीजिए जिसके यहाँ पे लिंक टी के नाम से बनाया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑल, क्या डाल दिया, ऑल फंक्शन। ऑल फंक्शन में डेटाबेस को सिलेक्ट कर दिया, तो ये आपको टेबल में पूरा का पूरा लिंक हो जाएगा। अगर ऑल फंक्शन में पूरा डेटाबेस ना सिलेक्ट करके अगर कोई फील्ड सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की यूनिक लिस्ट आएगा। जैसे हम लोग एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं लगाते हैं,
या यूनिक फॉर्मूला लगाते हैं जो एक कॉलम से सारे यूनिक वैल्यू की लिस्ट दे देता है। ऑल फॉर्मूला वही करता है। अब इसका आगे यूज क्या है हम आगे क्लास में आपको बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे, फिलहाल इसको स्किप कर देंगे। फिलहाल हमने क्या किया, हमने ऑल फॉर्मूला में अगर डेटाबेस नेम दे के एंटर मारा तो मेरे पास दो डेटा टेबल आ गए जो एक इससे लिंक है। ओरिजिनल डेटा आपका यह हुआ, इससे लिंक है, इसमें कुछ चेंजिंग होगी तो यहाँ भी होगी। अब इसका यूज जनरली हम लोग स्लाइसर को रिमूव करने के लिए करते हैं, कई बार हम क्यूरी नहीं लगाना चाहते हैं स्लाइसर्स के लिए तो हम इसी का यूज करते हैं, क्योंकि एक टेबल से एक ही स्लाइसर लिंक लिंक होता है, दूसरे टेबल दो टेबल से स्लाइसर लिंक नहीं होते हैं ऐसे केसेस में। लेकिन कई बार मुझे फिल्टर डेटा चाहिए होता है, जैसे मैं चाहता हूं सिर्फ सिर्फ ऐप का डेटा, इसका डेटा ऐप का, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, फिल्टर का। फिल्टर फिल्टर में हमने डेटा लिया, फिल्टर फॉर्मूला बिल्कुल एक्सेल के फिल्टर फॉर्मूले से मिलता जुलता है। और यहाँ पे फिल्टर क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला सेल्स चैनल इज इक्वल टू ऐप, सेल्स चैनल इक्वल टू ऐप, और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऐप का यहाँ पे आया। कैसे लगाया मैं दोबारा दिखाता हूं, मैं गया टेबल टूल्स पे, क्लिक किया न्यू टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे डाला, जैसे मैं यहाँ पे ऐप नाम डालता हूं, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर का फॉर्मूला लगाया, अपने डेटा टेबल जिससे डेटा फिल्टर करके लाना है उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा अपना कॉलम फील्ड जो कि है हमारा, मान लीजिए सेल्स अमाउंट, सेल्स चैनल इक्वल टू ऐप, और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही रिजल्ट यहाँ पे आ गए। अब इसमें हम और भी चीजें दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 कर दिया, या फिर मैं चाहता हूं जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आना चाहिए किसके अंदर फेवर में, माने कि हमारी 12 के मल्टीप्लेक्स में आनी चाहिए, इसके फेवर में 12 के मल्टीप्लेक्स में, तो मैंने यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगाया, और मोड फॉर्मूले में हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और डिवाइडर में हमने 12 दे दिया, और यहाँ पे इक्वल टू हमने 0 दे दिया और एंटर प्रेस किया। तो अब वही आए हैं, अब मेरे पास वही क्वांटिटी का लिस्ट आया है जो दर्जन के हिसाब से लिखा है। ये कैसे किया फारूक जी, समझाएंगे मुझे? क्या बोले? अच्छा चलिए, ये जाने से पहले 5 मिनट बोल के नहीं गए, स्कूल में जब जाते थे तो बोलते थे ना मिस 5 मिनट, मैम सर 5 मिनट, नाना ये स्टूडेंट है। अच्छा चलिए सॉरी, तो यहाँ मैंने कैसे किया आप समझाइए, चलिए आप समझाइए उनके जगह पे कि मैंने क्या किया। राइट तेज जी, हमने क्या किया है, पहले एक नई सीट गई, हम चाहते तो पावर भी रिसीव कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया फिल्टर में एक नई सीट ली, और उससे फिर हमने क्या किया एक फॉर्मूला डाला डाटा, उसमें डाटा को सिलेक्ट किया, और उसके बाद जो मोड में जाके डाटा क्वांटिटी को सिलेक्ट किया। उसके बाद से डाटा क्वांटिटी के बाद हमने जो है 12 वाला से समझ नहीं आया, और मोड फॉर्मूला क्या करता है पता है आपको?
हाँ सर कल्याण क्या करता है? मैंने बताया था ना कल, शायद आप कल की क्लास प्रैक्टिस नहीं की है। मोड फॉर्मूला का काम एक्सेल का ही फॉर्मूला है, बताता हूँ आपको, एक्सेल बताता हूँ समझाता है। अच्छा तो मोड मोड फॉर्मूला का काम होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि 52 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने मोड का फॉर्मूला लगाया। मुझे ये देखना है कि 12 के मल्टीप्लेक्स में है या नहीं, मतलब कि 12 के पहाड़ा में 52 आता है कि नहीं आता है। तो पता चला कि आता है, यहाँ पे आ गया और 3 से भी किया था, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, वो भी 0 0 दे देता था वहां पर। हाँ। तो हमें ये चेक करना, मुझे क्या चेक करना, मुझे ऐसा डेटा चाहिए। बॉस ने बोला कि ऐसा डेटा दो, क्योंकि हमारा जो कॉलर, हमारा जो सेल है ना, वो 10 कार्टन से बिकता है, 7-12 पीस होते हैं। तो हमें ये दिखाना था कि ऐसे कितने का हमारे पास ऑर्डर आए हैं जो एग्जैक्ट कार्टन के हिसाब से है, जिनको हम एक्स्ट्रा पीस या कम पीस बेचा नहीं है। कल बताया सेलिंग फ्लोर बताया था कि कार्टन के हिसाब से आएगा ऑर्डर, चाहे जो भी हम तक कार्टन ही भेजेंगे उसमें 5-10 पीस रुपए नीचे हो सकता है, राइट। तो मुझे ऐसे कुछ, ऐसे इतने कुछ ऐसे चाहिए, सेल चाहिए जो कार्टन के हिसाब से एग्जैक्ट आए। उसके लिए क्या लगाया मैंने, फिल्टर डेटा। फिल्टर डेटा में मैंने मोड लगाया और मोड को क्वांटिटी को 12 से डिवाइड किया। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ शेष फल आएगा, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते, रिमाइंडर बोलते हैं, हम लोग हिंदी में उसको शेष फल बोलते। तो मैंने बोला कि अगर मोड का रिजल्ट, मतलब कि डिवाइड करने पे अगर रिजल्ट 0 आता है, शेष फल 0 आता है, मोड शेष फल निकालता है, रिमाइंडर निकालता है, तो शेष फल अगर 0 आया, इसका मतलब है कि वो 12 के पहाड़ा में आ रहा है, मतलब 12 के दबों के हिसाब से है, उसका डेटा उठा लो। तो मैं यही समझा रहा था कि इस तरह की इसके अंदर कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं, कि आप ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू जैसे चीजें भी यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपके पास वही डेटा यहाँ आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका यूसेज क्या रहता है, मतलब ये हम कब यूज कर सकते हैं वो? ठीक है, जैसे मोड लगा के हमने जो टोटल क्वांटिटी है जैसे कि उसको आपको क्या कर, आपको क्या करना है कि आप एक रिपोर्ट बना रहे, राइट। एक तो आपको ओवरऑल मान लीजिए कि आपको रिपोर्ट जो बनाना है, आपके पास 5 डिपार्टमेंट है, राइट। अब आपको जो है 6 रिपोर्ट बनानी है, एक रिपोर्ट बनानी है जो कि ओवरऑल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट हम बनाएंगे बाकी को, जो बाकी जो 5 रिपोर्ट बनाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के बनाएंगे, समझ में आया। और मैं इसके लिए स्लाइसर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते स्लाइसर उपयोग करना किसी कारण से, राइट सर। तो आप जो बार बार फिल्ट्रेशन स्लाइसर लगाएंगे उससे बेटर है, क्योंकि मैं स्लाइसर क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, बोले सर इसमें क्वेश्चन आएगा सर, मुझे अगर ओवरऑल रिपोर्ट बनानी है और 5 अलग अलग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बनानी है, डेटा मेरा इकट्ठा है, तो हम स्लाइसर लगा दें। तो स्लाइसर इसलिए लगाना है कि मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके से रिपोर्ट बनानी है, सबकी सारी रिपोर्ट सबकी सेम नहीं होती है, मुझे कुछ और डिपार्टमेंट 1 के लिए कुछ और एनालिसिस चाहिए, डिपार्टमेंट 2 का कुछ और एनालिसिस चाहिए, डिपार्टमेंट 3 का कुछ और एनालिसिस चाहिए, डेटा एक ही है बट 5ों डिपार्टमेंट का अलग एनालिसिस, एक ओवरऑल एनालिसिस। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले 5ों टेबल अलग अलग करना पड़ेगा ना सर, या तो आप 5 अलग अलग डेटा सेट मेंटेन करें, पांच अलग डेटा डेटा टेबल को मैनेज करें, अपडेट करें, या एक ही डेटा टेबल को मैनेज करें और इस फिल्टर फॉर्मूले की मदद से 5 अलग अलग डेटा लिंक कर लें। बात समझ में आया? तो तो वहां पे अब जरूरी थोड़ी होगा, वहां पे कुछ कंडीशन भी होगा, जैसे कि डिपार्टमेंट 2 जो है वो सिर्फ जो है बल्क डेटा पे डील करता है, तो उसको सिर्फ वो डेटा देखने हैं जो बल्क में सेल हुआ है, बाकी जो सेल होता है किसी को उसी के नाम पे आता है बट किसी और डिपार्टमेंट को दे देता है। डिपार्टमेंट 3 जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही डील करता है, बाकी जो सेल आता है वो किसी और को दे देता है, समझे। ऐसे लॉट ऑफ कंडीशंस हो सकते हैं, तो फिल्टर फॉर्मूला जब सीख रहे हैं तो हर एंगल से सीखना होगा ना सर, समझे कि नहीं।
हाँ सर, तो सिंपल सी बात समझिए कि मुझे ओके एक ओवरऑल डेटा मिला है, उस डेटा को मुझे स्प्लिट करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे, विथ लिंक। लेकिन सर मुझे दैट्स चाहिए जो रेट आता है उसमें अगर कोई चेंजेस करेंगे तो उसकी जो लिंक आता है कि सब आपने जगह एंट्री लिखा है सब सब करना जी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सब होगा। चीज। रिफ्रेश तो करना पड़ेगा ना उसके ऑटोमेटेड ये आपका ये डेटा चेंज होगा तो अपने आप बाकी चेंज हो जाएगा। ओके ठीक जैसे जैसे एग्जांपल के दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे डेटा में आया, और ये ऐप वाला है ना मेरा, ये जो ऐप दिखला दिख रहा है ना, ऐप वाला, इस फील्ड को मैंने ऐप के जगह पे, यहाँ ऐप के है जगह पे एप्लीकेशन कर दिया। ठीक एप्लीकेशन करके एंटर, एप्लीकेशन आया। अब देखिए ऐप वाले डेटा में, यहाँ देखिए एप्लीकेशन आ गया सर। कोई रिफ्रेश किया? मैंने कोई रिफ्रेश नहीं किया है, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन आ गया। हाँ तो जी हाँ, तो फिल्टर समझ में आया? फिल्टर कैसे लगाना है? आप पहले फिल्टर फॉर्मल, फिल्टर लगाने का तरीका समझ में आया? लेकिन मान लीजिए मुझे मल्टीपल कंडीशन चाहिए, तब क्या करेंगे? मुझे मल्टीपल कंडीशन चाहिए, सकते इफ की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी ऑलरेडी इफ है ना। तो जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे, मेरे पास जो डेटा है ना वो ऐप का डेटा है और साथ में ऑनलाइन डेटा, क्योंकि मेरा ऐप और ऑनलाइन बोथ आर द सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर फॉर्मेट, फिल्टर यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, और यहाँ मैं लूंगा कि सेल्स चैनल, हाँ प्लीज म्यूट कर लें, शोर आ रहा है, प्लीज। ओके सेल्स चैनल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ऐप किया तो ये एप्लीकेशन ऐप का डेटा आ जाएगा, लेकिन मुझे ऐप ऑनलाइन दोनों चाहिए, कैसे होगा? तो उसके लिए आप यहाँ पे और कंडीशन लगा सकते। कैसे? अब यहाँ पे और लिखना नहीं, यहाँ पे पहले इन जो पहली कंडीशन लगाई है उसको इस तरह से ब्रैकेट में ले, ये ब्रैकेट में लेना बहुत जरूरी है। देन आप यहाँ प्लस का सिंबल दें, और यहाँ पे अगेन ब्रैकेट दें, और यहाँ पे आप सेल्स चैनल इक्वल टू ऑनलाइन। तो जितने भी कंडीशंस होंगे सारे कंडीशंस को इसी तरह से आप कर दे ब्रैकेट में, और दोनों के बीच में प्लस का डिफरेंस लगाए। क्या डिफरेंस लगाए? प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन और एक्सेल, ऑनलाइन ऐप दोनों का डेटा आया। तो मैंने क्या किया कि कंडीशन, जितने भी कंडीशंस लगाने हैं उस सारे कंडीशंस को ब्रैकेट में लिया और यहाँ पे प्लस कर। तीसरा कंडीशन मान लीजिए लेना है आपको, कि तीसरा कंडीशन में यहाँ पे मैं चाहता हूँ रेफरेंस का क्लियर, तो मैं एक और ब्रैकेट लूंगा और इसके अंदर लिखूंगा कि सेल्स चैनल इक्वल टू REF ref। तो तीनों में से कोई भी होगा तो ये आपको डेटा शो कर देगा। ओके, ये क्या हो गया? और कंडीशन, जैसे एक्सेल में आप और लगाते हैं, यहाँ पे फिल्टर के अंदर और कुछ इस तरह से लगता है, और ये चीज एक्सेल में भी इसी तरह से लगता है। एक्सेल में फिल्टर फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसी तरह से। ठीक है, तो और कंसेप्ट समझ में आया? अनिल जी, नितेश जी, फारूक जी, आंसर आंसर और के जगह पे मैं एंड लेना चाहूं, कि मैं सेल चैनल में लेना चाहता हूं ऑनलाइन वाले, क्वांटिटी 50 से ऊपर होनी चाहिए और प्रॉफिट परसेंट 50% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कई सारे कंडीशंस एंड के फॉर्मेट में, ऐसे केस में हम क्या करें? पहले दो लेते हैं, जैसे कि सेल्स चैनल जो है वो होना चाहिए ऑनलाइन, ऑनलाइन हमने यहाँ पे ले। ओके अब इसको भी ब्रैकेट लेना पड़ेगा, इसको भी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। सर
इसको भी ब्रैकेट में आपको लेना पड़ेगा। और फिर इसमें हम देंगे मल्टीप्लाई, तो एंड के लिए देना है हमें मल्टीप्लाई, और के लिए देना है प्लस, यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। और फिर एक बार और एंड लीजिए कि हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज इन द ब्रैकेट, प्रॉफिट परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पे 50% नहीं लिखना होगा, 0.50 परसेंट सिंबल यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है, किसी भी फॉर्मूले में परसेंटेज सिंबल एक्सेप्ट नहीं, ठीक है। ये हमने लगाया और कैसे, क्लियर है? तो फिल्टर फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत? सर ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, यहाँ जैसे हमने फिल्टर में कंक्लूजन लगाया कि डेटा सेट चैनल इक्वल्स टू ऑनलाइन, जी हाँ, और एंड मल्टीप्लाई दिया तो एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 एंड डेटा प्रॉफिट जो है, माने कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज ग्रेटर देन 50, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा कि सबसे पहले जाएगा सेल्स चैनल पे, और सेल्स चैनल पे आएगा और यहां से सेलेक्ट करेगा ऑनलाइन, ठीक है। फिर क्वांटिटी भी जाएगा और यहां देगा नंबर में ग्रेटर देन 50, तो कितने, कौन से आ गए, 50 वाले आ गए, यहाँ पे 50 डालेगा, 50 वाले आ गया। फिर यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पे जाएगा और यहां भी करेगा ग्रेटर देन 0.50% देना है तो 0.50 देगा, ठीक है। देन तो ये जो डेटा होगा इस डेटा पे आएगा, तो तीन फिल्टर इस तरह से लगाएगा, समझे? ये फॉर्मूला। अगर मैं और वाला मेथड अपनाता तो क्या करता, जैसे मुझे तीन चीज चाहिए तो यहाँ पे तीन चीज सिलेक्ट कर लेगा, मुझे ऑनलाइन चाहिए, ऐप चाहिए और रेफरेंस चाहिए, इस तरह सेलेक्ट करेगी, क्लियर है? तो दिक्कत सर,